वक्त दोपहर बाद लगभग 4:15 बजे। स्थान अकोला रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म क्रमांक 6, जहां पर अकोला अकोट डेमू पैसेंजर ट्रेन खड़ी है। सारे यात्री अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए ट्रेन में विराजमान है कि अचानक मौके पर पुलिस का दल वहां पहुंचता है, जिसमें जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। सारे ट्रेन को बड़ी सावधानी के साथ बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों ने ट्रेन को घेर लिया। अकोला पुलिस को जानकारी मिली थी कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर खड़ी अकोला अकोट डेमू पैसेंजर ट्रेन में 2 आतंकवादी घुस आए और उन्होंने एक यात्री को बंधक बना लिया है। उनके मनसूबे ठीक नजर नहीं आ रहे और किसी भी अनुचित घटना को अंजाम देने से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके बाद हरकत में आई अकोला पुलिस महकमे के अलावा अकोला जीआरपी और आरपीएफ के दल ने मोर्चा संभाला। सवाल सिर्फ बंधक बनाए गए यात्री का नहीं बल्कि अन्य यात्रियों को भी था। उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी सावधानी बरतते हुए चतुराई के साथ उन दोनों आतंकवादियों को धर दबोचा, और न केवल धर दबोचा बल्कि उनके चुंगुल से बंधक बनाए गए यात्री को भी छुड़ा लिया। पकड़े गए आतंकवादी अपने आका पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शुरुआत में ये सब कुछ हकीकत लग रहा था, लेकिन जैसे ही इस हकीकत से पर्दा उठाया गया तब सबके सब यात्रियों ने चैन की सांस ली। हम आपको बता दें दर्शकों, ये कोई हकीकत नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर पुलिस जीआरपी और आरपीएफ के दल द्वारा मॉक ड्रिल की गई थी। इसके अलावा वहां पर बम खोजी दस्ता भी पहुंचा था पूरे तामझाम के साथ, और फर्जी आतंकवादियों से बरामद सामान की पड़ताल भी पूरी गहनता के साथ की गई। दरअसल मंगलवार 10 जनवरी को अंजाम दी गई मॉक ड्रिल में अकोला सहित रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने किसी भी आपातकालीन स्थिति को निपटने में अपनी मुस्तैदी दर्शाते हुए यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा दिलाने का प्रयास किया है। इस मॉक ड्रिल की वजह से कई लोग अच्छे खासे घबरा गए थे, लेकिन जब इस हकीकत से पर्दा उठा और पता चला कि ये सब मॉक ड्रिल का एक हिस्सा है, तब जाकर सब ने चैन की सांस ली। बंधक बनाए गए यात्री की डॉक्टरों द्वारा जांच भी की गई, जिसके बाद पकड़े गए फर्जी आतंकवादियों को पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने ले गई। इस मॉक ड्रिल को लेकर रामदासपेट पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक किशोर शेलके इन्होंने सिटी जंक्शन को जानकारी दी। दृष्टि ने पुलिस दल हे नेहमी 24 तास अलर्ट असते, याचाच एक भाग म्हणून आज रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये मॉक ड्रिल घेण्यात आली। त्यामध्ये एखाद्या वेळेस रेल्वे गाडीमध्ये एखादा अनुचित प्रकार घडतो आणि त्यातून मोठी समस्या निर्माण होते, तत्पूर्वीच पोलिसांनी सतर्क राहून त्याला प्रतिसाद द्यावा या हेतूने आज रेल्वे स्टेशनवरती अकोट अकोला पॅसेंजरमध्ये एका इसमाला ओलीस ठेवल्या आहे। या प्रकारची मॉक ड्रिल घेण्यात आली, सदर इसमाला सुरक्षितरित्या बाहेर काढले, जेणेकरून पोलिसांचा अलर्टनेस आणि पोलिसांचा प्रतिसाद अशा प्रत्यक्षांद्वारे पोलीस दल वेळोवेळी घेत असते, जेणेकरून नागरिकांमध्ये भयाचं वातावरण निर्माण होऊ नये व नागरिक हे नेहमी सुरक्षित आहे ही भावना सर्व जनतेसमोर असावी, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे।